ऋतिक बुला के गोल्डन को निकाल देना, गेम खत्म भाई। ए ब्लू को करो, गोल्डन शायद फैंटम होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए फैंटम किंग गेम प्ले वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो रोल चेक करें तो ब्लैक जैक आया है, चमेलियन आया है और स्पेस को में शेरिफ भी आया है। तो तीन लोग हैं काटने के लिए हमको, तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे गेम शुरू हो रहा ना, इम्पोस्टर ने डोर क्लोज कर दिया था, इतने में ना ग्रीन ने मेरे को मार दिया कैफेटेरिया में, और वो शेरिफ था, उसको डर ही नहीं है भाई, ब्लैक जैक आया है सामने सामने मारता है। तो पूरी मीटिंग में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि ब्लैक जैक आया है और ब्लैक जैक का खौफ तो होता ही है। मेडवे वाले भी कुछ बोल ही नहीं रहे थे और यहाँ पे सब लोग अपना फेक रोल बोल रहे थे, लेकिन ग्रीन ही अपना सही रोल बोल रहा था कि वो शेरिफ है। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने ग्रीन को वोट आउट करके निकाल दिया, यहाँ पे ग्रीन शेरिफ ही था सच में। तो अब हमारा काम शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा टास्क देखना जल्दी से। तो यहाँ पे मेडवे में और ऑटो में है, इतने में इंपोस्टर ने कम्युनिकेशन डाउन कर दिया है। मैंने अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में बताई है फैंटम की, अगर आपने फैंटम की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई सेक्शन में जाके जरूर देखिएगा। मेडवे में ना मेरा स्कैन वाला टास्क था एक, तो मैं बाहर निकलने ही वाला था, इतने में ना मीटिंग बुला ली और मीटिंग में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, सभी लोगों ने वोट स्किप किया। और मैंने अपना दूसरा मिशन ऑटो में था वो देख लिया था और मैंने मीटिंग में भी देख लिया था। तो यहाँ पे अब कम्युनिकेशन डाउन का कोई अब मीनिंग नहीं होता इंपोस्टर के लिए, क्योंकि मैंने अपने दोनों मिशन देख लिए हैं। तो यहाँ पे ना मैं बैंड का चक्कर काट रहा हूँ, जो वाइट अभी वेपन्स में गया है वो अगर नेविगेशन और सील की तरफ जाएगा तो मैं कैफेटेरिया की वैन से बाहर आके ऑटो का टास्क कम्प्लीट करूँगा। देखिए यहाँ पे वाइट अभी ऑटो में था और वो जैसे ही नेविगेशन के साथ गया, मैं वहाँ से कैफेटेरिया की वेंट में गया और तुरंत बाहर निकल गया और सीधा अपना पहला टास्क कम्प्लीट करने के लिए भागा। तो इतने में ना कॉम्स का सेबोटास किसी ने ठीक कर दिया, तो मैंने जल्दी से अपना पहला टास्क फटाक से कम्प्लीट किया क्योंकि मीटिंग आ जाए उससे पहले मेरे को एक टास्क कम्प्लीट करना है। और जैसे ये मैसेज पॉपअप होता है कि फैंटम हैज़ वन टास्क लेफ्ट, तो इंपोस्टर की फट जाती है, वो ना प्रेशर में आ जाता है और किसी को किल कर देता है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, एक इंपोस्टर ने किसी को मार दिया था और यहाँ पे वाइट ने मीटिंग बुला दी थी, तो यहाँ पे रेड को ना किसी ने मार दिया था। पहली बात तो ये बताओ भाई, कौन महानुभव है जो कि भाई बार बार सेबोटास को फिक्स कर देता है, कौन है वो? तो यहाँ पे ना किसी ने सेबोटास फिक्स कर दिया था और वो बोल नहीं रहा था। और यहाँ पे अपना येलो ब्लैक जैक है और पिंक अपना चमेलियन है। अबे ओए फैंटम मेरे सामने था यार, तुमने कर दी मीटिंग बुला ली भाई। यार फैंटम सामने था, मीटिंग बुला ली। कहाँ पिंक? अबे माधुचोद कौन फिक्स कर रहा था, मेरे को गाली दे रहा था। तो ठीक है, गाली सब बुरा है, ठीक है। नूबड़े वाइट और वाइट नहीं था, पिंक नहीं था, पिंक मेरे साथ, पिंक ने फिक्स नहीं किया, सियान ने नहीं किया, वाइट ने नहीं किया, ब्लू ब्राउन ऑरेंज इन तीनों में से आपने फिक्स किया, किसने फिक्स किया? निकाल दे नूबड़ी को, चूती है, ठीक है। और एक ही टास्क बचे, पिंक कहाँ देगा तो फैंडम को? तो यहाँ पे पिंक और येलो की बातें सुनकर आपको पता ही चल गया होगा कि दोनों इंपोस्टर हैं, कैसे वो दोनों प्रेशर में आ चुके हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और येलो तो फुल ट्रिगर हो चुका है भाई, साइड देखा मैं उसको, वो इलेक्ट्रिकल, सब लोग भाई इलेक्ट्रिकल चले जाओ, उसका या तो रिएक्टर में होगा या फिर सिक्योरिटी कहीं होगा। तो यहाँ पे येलो भाई फुल प्रेशर में थे और वहाँ पे उसने गैस ले लिया, गलत गैस लेके खुद ही निपट गए। वहाँ जा रहा था क्या कहते हैं, स्टोरेज एडमिन और रेडियो सेंटर की तरफ। हाँ तो भाई सब लोग नीचे की तरफ। जब भी गेम में फैंटम बाहर निकलता है ना, तब इंपोस्टर और स्पेस को ना एक टीम हो जाते हैं। हाँ। आपने भी देखा ही होगा, और वो फिर फैंटम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ना पिंक ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो यहाँ पे अब वो गेम हारने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी ने वोट स्किप किया था और मेरा जो आखिरी टास्क था मेडवे में स्कैन वाला वही बचा था। इतने में ना इंपोस्टर ने ऑटो का सेबोटास दे दिया, तो मैं फटाक से वैन से बाहर निकला और अपना स्कैन सबमिट करने लग गया। जब तक ऑटो ठीक हो जाता है इतने में मेरा स्कैन कंप्लीट हो जाएगा और सभी स्पेस क्रू ऑटो ठीक करने गए होंगे, तो इधर मेरे को कोई ढूंढने भी नहीं आएगा।
तो यहाँ पे मेरे दो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और फैंटम के दो टास्क जैसे ही कंप्लीट होते हैं फैंटम गेम जीत जाता है। तो ये हमारी पहली गेम की विक्ट्री है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर यहाँ पे येल्लो किसी को गेस नहीं करता तो इम्पोस्टर का जीतने का चांस था। चलो अब दूसरी गेम देखते हैं। तो यहाँ पे रोल चेक करें तो चमेलियन और स्पाई आए हैं और कोई दूसरा रोल आया नहीं है जो हमें काट सके। इतने में ना इलेक्ट्रिक का सेबोटाज होता है और मैं वहाँ पे ही खड़ा रहता हूँ कैफेटेरिया में कि कोई इम्पोस्टर आके मेरे को काट के चला जाए। और इलेक्ट्रिक का सेबोटाज फिक्स भी हो जाता है और मैं जैसे ही भागना शुरू किया तो वहाँ पे ब्राउन को कोई काट के चला गया था। तो मैंने सोचा चलो कैफेटेरिया में ही रहता हूँ, जैसे ही कोई कैफेटेरिया में आएगा मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। तो उसे लगा क्या कि मैंने उसको मारा होगा, तो मैं यहाँ पर खड़ा रहा वेट कर रहा था कि कोई आए, और जैसे कोई आए मैं वहाँ से भागना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे टाइम मास्टर भी आया है तो टाइम रिवाइंड हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्राउन को कब का काट के चला गया था। तो जैसे ही रेड आया रेड ने रिपोर्ट कर दी। तो यहाँ पे रेड हैकर था तो मैं यहाँ पे वोट रेड बोल रहा हूँ ताकि रेड को पूरा शक मेरे पे ही जाए ताकि ना वो मेरे को निकाल दे। ये बताओ बैंड किसने करा, ये कौन बोल रहा था येलो ने बैंड करा ये बताओ पहले। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं प्लम्बर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ उसने। अच्छा फिर ठीक है। अरे वो मेडवे के अंदर से आया ठीक है, जैसे टाइम इवेंट हुआ तो यानी कि मेडवे का जो वेंट होता है ना ओपन बंद हो रहा था, खुला और वो हो रहा था ठीक है, अंदर एक ही बंदा था। नहीं वही तो मैं कह रहा, जोकर होता तो वो वेंट करके भाग सकता था, जोकर तो गेम में ही नहीं है तो इम्पोस्टर ही बचा ना। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने येल्लो को ही निकाल लिया, पर ना येल्लो इम्पोस्टर था कि नहीं, लेकिन नहीं था आई थिंक, क्योंकि इम्पोस्टर शायद से ब्लू और पर्पल था। तो मीटिंग खत्म हुई, अभी भी दोनों इम्पोस्टर गेम में हैं। मेरे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि दोनों रोल अभी काटने के लिए बचे हुए हैं। तो मैं ना सिक्योरिटी रूम में जाता हूँ कि चलो कैमरा झपकता हूँ, अगर कोई इम्पोस्टर आएगा तो वो मेरे को काट के यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं जा रहा था जल्दी से जल्दी सीसीटीवी रूम में कि चलो कैमरा झाँकूँगा इम्पोस्टर मेरे को मार देगा। तो इतने में ना रेड ने मीटिंग बुला दी क्योंकि रेड हैकर था और उसको पता था कि एक तो ब्लू ने किल किया है। बोल रहा हूँ ब्लू को निकालो पहली बार, तुम लोग समझते नहीं हो, वहाँ पे किल किया था उसने इलेक्ट्रिसिटी को, मैंने देखा था मैं हैकर हूँ, तुम लोग भाई निकालते ही नहीं हो और येल्लो को पता नहीं क्यों निकाल दिया तुम लोगों ने, मुझे नहीं पता। ब्लू को निकालो उसके बाद कोई मीटिंग मिला के गोल्डन को निकाल देना, गेम खत्म भाई। भाई भाई ये बता किसको करना है बता दो। तो यहाँ पे ना मैं ब्लू को बचाने की ट्राई कर रहा हूँ और रेड पे पूरा वोट डालने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि मेरे को ये नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी से निकाल ले। अब तो ये ब्लू पक्का निकलने ही वाला है, देख लो भाई। तो यार अब एक ही इम्पोस्टर निकल चुका है, अब एक ही इम्पोस्टर बचा है, तो अब मेरे को मारने के लिए अब एक ही रोल है, पता नहीं कौन है, अब चमेलियन बचा है या स्पाई बचा है। तो यहाँ पे इतने में रिएक्टर का सेबोटाज आ रहा है, तो सब लोग रिएक्टर की ओर भागते हैं, मैं वहाँ से मुड़ जाता हूँ कैफेटेरिया में। फिर मैं रिएक्टर की ओर फिर से निकल पड़ता हूँ ताकि मेरे पे कोई शक करे और मेरे को वोट आउट करके निकाल दे। इतने में ना अपर इंजन का डोर भी क्लोज हो जाता है और टाइम मास्टर अपना कमाल दिखाता है टाइम बाइन करके, लेकिन वहाँ पे कोई मरा नहीं था तो अच्छी बात है। तो इतने में ना वाइट मीटिंग बुला देता है, तो अब मेरी बारी है निकालने की। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि भाई गेम में फैंटम भी है, तो इन लोगों ने अब सही गेस किया होगा कि गोल्डन फैंटम होगा। भाई अपन पांच बंदे तो वहाँ थे सिक्योरिटी के पास, एक बंदा था बाहर गेट के बाहर, अब पता नहीं कौन था वो, टाइम मास्टर की वजह से पता चला मुझे। तो भाई दो गोल्डन को भी मत निकालो, गोल्डन ना कैफेटेरिया में था, मैंने देखा था कैमरे पे, और वो बहुत देर से वहीं पे कैफेटेरिया में ही था, तो वो फैंटम हो सकता है क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पे, पर वो बहुत समय से था वहाँ पे कैफेटेरिया। हुआ तो पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा न्यू अपडेट के बाद। तो अभी पिंक को करो सब लोग, ओके पिंक को निकालो, पिंक पे थोड़ा डाउट जा रहा है, और वाइट तू मेरे साथ रहना, मैं हैकर हूँ, मैं देखूंगा और मैं जब हम दिखाऊँ। तो यहाँ पे ना वाइट अपना टाइम मास्टर था और रेड अपना हैकर था,
और ग्रीन का शायद इन लोगों ने मैट पे देखा था, तो पिंक और पर्पल ही बचे थे, तो इन लोगों को पिंक पे ज़्यादा सस था तो इन लोगों ने पिंक को ही निकाल दिया। हालांकि पिंक यहाँ पे स्पेस क्रो ही था, तो यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पे पर्पल थोड़ा चालाक था, उसे पता था कि उसे अब ग्रीन को मारना है, क्योंकि रेड और वाइट तो साथ में घूम रहे हैं, तो उन लोगों को वो मार नहीं सकता और मेरे को भी वो शुरू में मार नहीं सकता क्योंकि मैं फैंटम हूँ। तो इसीलिए उसने यहाँ पे ऑटो का सेबोटास बुलाया ताकि वो ग्रीन को अलग कर सके इन लोगों से। लेकिन यहाँ पे ग्रीन और रेड भी साथ साथ जा रहे थे फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे ना ग्रीन को पर्पल अकेले में मारना चाहता था लेकिन वो मार नहीं पाया, और उसको भी पता है कि फैंटम बचा हुआ है अभी और मैं ही फैंटम हूँ, तो इसलिए वो मेरे को भी नहीं मारेगा। और रेड और वाइट को भी पता है कि फैंटम अब बचा है अभी तक, क्योंकि अभी फैंटम निकला नहीं है, तो गोल्डन और पर्पल में से एक फैंटम होगा। तो यहाँ पे ना मेरे को कोई मार भी नहीं रहा है और निकाल भी नहीं रहा है, बहुत मेरी ख़राब किस्मत थी ये गेम में। इतने मेरा टाइम मास्टर रिवाइंड होता है और भाई मेरे सामने दोनों गोल्डन दिखते हैं, तो मैं उसके पीछे जाता हूँ, भाई ये कौन है? मेरे को गेम में नहीं पता था कि कौन इंपोस्टर है। तो यहाँ पे पर्पल अपना स्पाई था, मैंने उसे थम्स अप दिखाया, मुझे पता था कि वो मेरे को नहीं मारेगा क्योंकि मैं फैंटम ही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोच लिया कि चलो अब मैं जीतने तो वाला नहीं हूँ, इंपोस्टर मेरे को मार नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ, मीटिंग बुला के स्पेस क्रू को जीतवा देता हूँ। इतने मैंने कॉम्स का सेबोटाज वो बुला देता है और वहाँ पे देखिए ग्रीन ऊपर चला गया, ग्रीन अकेला हो गया, तो उसने ना मेरा कलर लेके उसने ग्रीन को पेल दिया। और यहाँ पे मैं सेबो फिक्स करने आ गया कि चलो जल्दी से सेबो फिक्स करके ना मैं स्पेस क्रू को मीटिंग बुला के जीतवा लूँगा। इतने में रेड भी मेरे साथ आता है, तो यहाँ पे पता नहीं रेड मेरे को क्यों थम्सअप दिखा रहा था, शायद मैंने सेबोटाज फिक्स किया इतने थम्सअप दिखा रहा होगा। तो इतने में ना वो हैकिंग करने के लिए एडमिन में जाता है और यहाँ पे वाइट भी ऊपर चला जाता है, और मैंने ग्रीन की डेड बॉडी देखी और मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि ना रेड हैकिंग करके देखेगा तो उसे लगेगा कि मैंने ही ग्रीन को मारा है, और वाइट को भी ऐसा ही लगा कि उसके सामने सामने मैंने ग्रीन को मार दिया है, तो वो लोग मेरे पे डाल रहे थे। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं यहाँ पे स्पेस टू को जीतवाने वाला था, लेकिन ये लोग मेरे को निकाल लेके ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को चांस मिल रहा है तो फिर मैं चांस क्यों जाने दूँ। यहाँ पे मैंने खुद को ही वोट कर दिया और मेरे पे रेड ने और वाइट ने भी वोट डाल लिए थे, और पर्पल को पता था कि मैं फैंटम हूँ और वो कुछ कर भी नहीं सकता था वोट आउट में, इसलिए उसने वाइट पे वोट कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली मैं निकल चुका हूँ, तो मैंने जल्दी से अपने टास्क देखे, एक सीड में है और नेविगेशन में है। तो जैसे ही मैं वैन से बाहर निकला वैसे ही वो मैसेज पॉपअप हो चुका था कि अगर इंपोस्टर एक स्पेस टू को मारेगा तो इंपोस्टर गेम जीत जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सील में फटाफट टास्क कंप्लीट किया, उसने रिएक्टर बुला दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरे टास्क बहुत पांच थे, तो मैं जल्दी से नेविगेशन में पहुंच भी गया और वहां सब लोग रिएक्टर में गए थे ठीक करने के लिए। इतने में मेरे टास्क कंप्लीट हो चुके थे, तो दूसरी गेम भी यहाँ पे मैं जीत गया था। यहाँ पे दूसरी गेम मेरी हालांकि नई थी, मेरे को निकाल भी नहीं रहा था और कोई मार भी नहीं रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये मैंने गेम पलट दी। तो आई होप गाइस आपको ये फैंटम की गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.